हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन डिश उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल है बट फुल ऑफ फ्लेवर है। तो चलिए देखते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सूजी ली हूँ, एक बड़ी साइज़ का अनियन को मैंने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून उड़द दाल है, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड है, 1 टीस्पून शुगर है, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, कैशू नट है यहाँ पर थोड़े से, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर है, थोड़ा सा हरा धनिया है, लेमन है, 8 to 10 करी लीव्स है और ग्रीन चिली, और हमको लगेगा तेल और थोड़ा सा घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन रख लिया है गैस पे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सूजी जो है ये ऐड करूँगी और इसको हम लोगों को ड्राई रोस्ट करना है। मैंने इसमें ना ऑयल डाला है ना घी, बस हमको ऐसे ही इसको भून के लेना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है और बहुत ही पेशेंटली हम लोगों को इसको रोस्ट करना है। इसका कलर हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है, इसलिए गैस का फ्लेम कम ही रखना है। रवा हमारा अच्छे से भून गया है, कलर इसका चेंज नहीं हुआ है, बस ये भून गया है अच्छे से, रोस्ट हो गया है ये। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इसमें रवा डाले थे तब ये जो हमारा स्पून था ये चलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी इसको मूव करने के लिए, अब ये स्पीड में थोड़ा सा मूव हो रहा है हमारा स्पून, तो इसका मतलब है हमारा रवा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से निकाल कर कोई भी एक बर्तन में रख लूँगी। मैंने सूजी को यहाँ पर निकाल लिया है इस बाउल में और सेम बर्तन में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा स्पून भर के ऑयल डाला है। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर मस्टर्ड सीड डालेंगे, साथ ही हम लोग ये उड़द दाल डालेंगे, आप चाहो तो चना दाल भी डाल सकते हैं, मैंने अभी नहीं डाला है। ग्रीन चिली, जिंजर, करी लीव और ये अनियन, और इसको अच्छे से भून लेंगे। ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है उसको हम लोगों को, ऐसे ही मोटा मोटा थोड़ा सा मैंने इसीलिए कट करके रखा है कि उसका क्रंचीनेस जो है वो उसमें बरकरार रहे। साइड में एक बर्तन में मैंने यहाँ पर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, मेजरिंग स्पून से ये 3 गुना पानी है। मेजरिंग स्पून से मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है, तो मैंने यहाँ पर इसका 3 गुना पानी यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। ऑनियन थोड़े से मेरे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं यहाँ पर ये कैशू ऐड करूँगी। कैशू को पहले ऐड नहीं करना है, नहीं तो उसका जो कलर चेंज हो जाएगा और फिर जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए अब ये स्टेज पे हम लोगों को कैशू ऐड करना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्ट ऐड करूँगी और साथ ही शुगर भी ऐड करूँगी। अभी ऑनियन में जब शुगर थोड़ी सी कैरमलाइज होती है तो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है, अच्छे से आता है। अब सूजी डाल देंगे हम लोग और उसको अच्छे से भून लेंगे। सूजी तो हमारी ऑलरेडी भूनी हुई है, बस इसमें अच्छे से ये जो सारे फ्लेवर जो है ये सब ऑनियन के और ये सब सारे जो नट्स के ये सब इसके अंदर आ जाए, करी लीव्स के और ग्रीन चिली वगैरह के सब इसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना भूनना है हमको, मिक्स करना है मीन्स। सब अच्छे से मिक्स हो गया है और पानी भी बॉईल हो गया है, तो अब मैं ये पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, साथ ही लेमन जूस भी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि ज़्यादा हम लोगों को इसको स्पीड, हम लोगों की जो फ्लेम जो है हम लोगों की गैस की, उसको ज़्यादा स्पीड में नहीं रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे,
बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। अच्छे से मिक्स हो गया है ये, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आया है इसको। अब लास्ट में बस ये एक टीस्पून भर के घी ऐड करना है, बस मिक्स करना है। सब अच्छे से मिक्स हो गया है, पानी की क्वांटिटी भी एकदम परफेक्ट थी। बस मैं अभी इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी और उसके बाद हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, रेडी हो गया ये, इसको डिश आउट कर लेंगे अभी। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, तो ये हमारा उपमा बनके तैयार है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी एंड द वे आई कुक, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।